अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे किचन में बन रही है ईद की रेसिपी, जो लोग ईद पे बनाते हैं अपने घरों में, शीर खोरमा। उसके लिए मैंने लिया है 2.25 किलो दूध, मींस 1 kg एंड 750 grams। उसके अलावा मैंने लिया है 3 tablespoons राइस फ्लावर, और ये मैंने लिया सेवइयाँ, ये 1/3 cup है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा जितनी आपके घर में पसंद की जाती हैं। आप इसे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये सारे नट्स वगैरह भिगो के रख दिए थे, उसके बाद मैंने इन्हें कट कर लिया है, जिसके अंदर है छुवारे, बादाम और पिस्ते। इन सबको आप कट कर लें। उसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे कुमेल, और जिस टाइम हम दूध को बॉयल करने रखेंगे तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे छोटी इलायचियाँ 3 से 4 अदद। ये मैंने दूध रख दिया था बॉयल करने के लिए, और मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची, ये मैंने लिए सिर्फ 3 से 4 आप इसमें ऐड कर दें, और दूध को जो है अच्छे से बॉयल करने के लिए रख दें। तकरीबन ये आधे घंटे के लिए आपने इसे जो है ना कुक करना है मिल्क को, और ओकेजनली आप इसके अंदर स्पून इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि जो है ना ये बॉटम पे जो है ना स्टिक ना हो, जब तक दूध हमारा जो है अच्छे से पक रहा है इलायची के अंदर। अच्छा, ये राइस फ्लावर जो मैंने लिया था, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करा है, और मैंने इसको अच्छे से जो है ना उसके अंदर ही डिज़ोल्व कर लिया है। अब जो है मैं इसको हमारे जो चूल्हे पे जो है दूध रखा हुआ है जो बॉईल हो रहा है, उसको जैसे ही 25 मिनट्स कंप्लीट होंगे, मैं उसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी। 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं दूध को बॉईल होते हुए। अब मैं इसके अंदर जो है ऐड कर रही हूँ राइस फ्लावर। ये शीर खोरमे को थोड़ा सा हम थिकनेस करने के लिए उसके अंदर ऐड करते हैं। मैंने इसमें राइस फ्लावर ऐड कर दिया है, साथ में ही मैं इसके अंदर नट्स और छुवारे ऐड कर दूंगी। इसमें से कुछ थोड़े बहुत नट्स मैंने सेव कर लिए हैं बाद में ऊपर से गार्निश करने के लिए, जो मैं ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करूंगी। बाकी मैं सारे इसके अंदर कुकिंग में यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, साथ में ही अब मैं इसके अंदर सेवइयाँ भी ऐड कर रही हूँ। सेवइयाँ चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है असली घी लेकर 1 tablespoon जस्ट असली घी लेके उसके अंदर 1-2 इलायची डाल के और सेवइयों को आप अच्छे से उसके अंदर फ्राई कर लें और फिर ऐड करें उसके अंदर। या आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे डालना चाहें, डायरेक्ट डालना चाहें वैसे डाल दें, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया। अब इसको सेवइयाँ ऐड करने के बाद हम इसको 20-30 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे, ताकि हमारे जो नट्स हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं इसके अंदर, और उसके अलावा ये सेवइयाँ भी पक जाएं अच्छे से। कंडेंस मिल्क जो है ना, मैंने इसका टिन हाफ़ कर दिया है, हाफ़ मैंने एक बोल में निकाल लिया है, क्योंकि हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे इसको, हम हाफ़ यूज़ करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा जितनी आपको नीड हो। ये दूध को हमारे जो है पकते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद थोड़ी देर और कुक करेंगे हम। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको आप मज़ीद 10-15 मिनट के लिए और कुक करेंगे, और फिर बस इसको आपने रिमूव करना है और गार्निश करना है। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसकी जो है ना वो चेक कर सकते हैं मिठास, कि बिल्कुल ठीक है या नहीं। अगर आपको लगे कि इसके अंदर मिठास कम है तो आप कंडेंस मिल्क थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए और छोड़ रही हूँ कुक करने के लिए, फिर मैं इसको रिमूव करके डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा बना। अच्छा, ये शीर खोरमा मैंने जो है डिश आउट कर लिया है, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को चेक करवा रही हूँ डिश में ही, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। ये देख लें, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर है ये। अच्छा, इसको अब मैं करूँगी गार्निश, जो मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते बचाए थे उससे मैं करूँगी इसे गार्निश। ये शीर खोरमे का फाइनल लुक है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसे लगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।